गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा टर्न है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा ये कोई नया चैप्टर नहीं है, हम इसको काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से लगभग हम लोग अपने एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के बारे में सुनते समझते और पढ़ते आ रहे हैं। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक for our life also, okay? Whatever we are surrounded with is our environment. क्या मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए ये बात करूं कि हम अगर इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं ना कहीं लेना देना है कि हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से ऑब्सेस होके कितना ज्यादा अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है ऑलरेडी। Now the fact is के हमने economic growth, economic development, globalization की हम लोग बात करते हैं, इन सब के चलते हमने इन सब को promote करने के चक्कर के अंदर जो अपना बहुत एक important concept है जो life को sustain कराता है, environment को हमने neglect कर दिया है और हमने उसको excessively उसको exploit किया है so that के हमारा development अच्छे से हो पाए। बट कैन वी सी दैट के जो डेवलपमेंट हमारा पास कुछ सालों के अंदर इतना स्पीडी हुआ है, उसने हमारे एनवायरमेंट का जो पूरा एक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है? सो द सेम थिंग हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हमारे साथ हमने एनवायरमेंट को अपने सेल्फिशनेस की वजह से अपने एनवायरमेंट को कितना ज्यादा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा लिया है और अब हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। ओके, हम लोग उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते बट उसको हम कम कर सकते हैं, यही सब हमको इस टॉपिक के अंदर कवर अप करना है। सो स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनवायरमेंट क्या होता है। इट इज नथिंग न्यू, हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ ही है। एनवायरमेंट क्या होता है, अगर आपके दिमाग के अंदर अगर आपको एक क्वेश्चन आए कि व्हाट इज एनवायरमेंट, तो आप अपने जितना भी अपने सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं ना, एवरी नेचुरल थिंग इज एनवायरमेंट। ओके, एवरी आई कैन से दैट कि प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, द वर्ड इज प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, मतलब वो सारी चीजें जो इस प्लैनेट ने हमको इनहेरिटेंस में दी है, मतलब द गिफ्ट ऑफ मदर नेचर, वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो सारी की सारी जितने भी एलिमेंट्स एनवायरमेंट के अंदर अपने हमारे सराउंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, दोज ऑल द थिंग्स आर माई एनवायरमेंट। ओके, planetary inheritance which we have got from nature. Okay, so now coming to the concept कि जो environment है वो हमको actually क्या help करता है। Okay, मतलब environment हमको किस तरह से help करता है survive करने के लिए, या फिर can I say that के what are the functions of environment? Environment क्या होता है वो तो हमने समझा। Okay, everything which surround us, बायोटिक और एबायोटिक, एवरीथिंग इज माई एनवायरमेंट। अच्छा, व्हाट इज बायोटिक और एबायोटिक? बायोटिक का मतलब एवरीथिंग व्हिच इज पर्टेनिंग टू लाइफ, जिसके अंदर कोई ना कुछ लाइफ का कंपोनेंट है। लाइफ का कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि एज लाइक ह्यूमंस आर लिविंग, एनिमल्स, ट्रीज, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। व्हाइल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जितने भी मिनरल्स, मेटल्स, ये सारी चीजें जो है हमको एनवायरमेंट से जो मिलती हैं, दोज आर ऑल फाउंडेड इन एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब के जैसे है कोल, पेट्रोलियम, क्रूड फॉर्म के अंदर हमको जितना भी मिनरल्स हमको अवेलेबल होता है फ्रॉम मदर नेचर, दैट एवरीथिंग कम अंडर द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स के हमको एनवायरमेंट से क्या क्या चीजें मिलती हैं, व्हाई इज एन जो एनवायरमेंट है, व्हाई इज इट नेसेसरी एंड व्हाट फंक्शंस इट डज फॉर अस, मतलब एनवायरमेंट हमारे लिए क्या क्या फंक्शन करता है, व्हाट एनवायरमेंट गिव्स टू अस, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट की अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है कि इट सप्लाइज रिसोर्सेज। मतलब आप जितना भी अपने आसपास में डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, अगर उस
वो सारे डेवलपमेंट के पीछे जो बैकहेंड है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला है, वो सारा का सारा हमारा एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के अंदर से ही हमको जो बेस है, फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वी नीड अ बेस, हमको उसका रॉ मटेरियल चाहिए, हमको उसका एक बेसिक फॉर्म चाहिए। तो बेसिक फॉर्म या फिर रॉ मटेरियल ये सब कुछ हमको सप्लाई कौन करता है, दैट इज माय एनवायरमेंट। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए मुझे आयरन चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, वो सारी चीजें मुझे मिलती कहाँ से है? मतलब आप अपने आजू बाजू जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सारा का सारा डेवलपमेंट किसके बेसिस के ऊपर हुआ है? वो सारा जो डेवलपमेंट है दैट हैज अ बेस ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज सप्लाई होते हैं एनवायरमेंट से, वो हमको किस काम लगते हैं, हमारी रेगुलर लाइफ को लीड करने में भी हमको काम लगते हैं। विदाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज वी कुड नॉट हैव द लाइफ विच वी आर लिविंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। Now this is very simple. Although simple है, लेकिन कहना क्या चाहता है कि environment assimilates waste. Waste हमारे पास बेटा degradable and biodegradable and non-biodegradable दोनों ही होते हैं. The thing is कि जो biodegradable हमारे पास waste होते हैं, that can be degraded over a period of time by nature itself. अगर हम उसको degrade कराने में, उसको compost कराने में कुछ हेल्प ना करे तो वो सारा का सारा वेस्ट अपने आप ही क्या बन जाएगा, वो नेचर उसको मतलब लेवल के अंदर ले आएगी, नेचर उसको एसिमिलेट कर लेगी। फॉर एग्जांपल जितना भी हम लोग घर में जितना भी हमारा कचरा निकलता है, जो ग्रीन वेस्ट कहते हैं जिसको, जैसे कि वेजिटेबल्स के छिलके हैं, फ्रूट्स के जो पील्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास बायोडिग्रेडेबल हैं। तो अगर मैं उसको एज इट इज नेचर के ऊपर, मतलब कहीं पे भी अगर मैं उसको जमीन के ऊपर या फिर जो मेरा सॉइल है उसके ऊपर अगर मैं उसको डाल दूंगी तो अपने आप ही डिकम्पोज होके क्या हो जाएगा, वापस से वो मतलब सॉइल के अंदर मिल जाएगा। दैट इज वॉट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, वो वेस्ट जो सालों साल पड़ा रहे लेकिन उसको नेचर अपने आप एसिमिलेट नहीं कर सकती, उसको नेचर अपने आप डिकम्पोज नहीं कर सकती। तो ये मेरा जनरली क्या होता है कि एनवायरमेंट को अगर हम टाइम दें, अगर एनवायरमेंट को एज इट इज बिना किसी के इन्फ्लुएंस के छोड़ दिया जाए तो भी वो वेस्ट जो है उसको अपने अंदर समा लेता है, उसको अपने आप ही प्रोसेस कर लेता है। दैट इज द ड्यूटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ अवर एनवायरमेंट, इट एसिमिलेट्स वेस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो वो कुछ समय बाद अपने आप ही वापस से सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब एनवायरमेंट की चीज वापस से एनवायरमेंट के अंदर मिल जाएगी। देन थर्ड वन इज इट सस्टेन्स लाइफ। Now this is very important. Sustains life का मतलब क्या होता है कि हम अपने आसपास जो भी जिंदगी देख रहे हैं वो क्यों है? Because of the environment provided to us on the earth. क्यों हमको मार्स पे, मून के ऊपर हम लोग इतना ढूंढ रहे हैं तो भी कोई लाइफ फॉर्म नहीं मिल रहा है? Why? Because they do not promote life form. लेकिन जो अर्थ के ऊपर हमको environment मिला है, it is designed to have life form on it. मतलब वहां पे हम जो इंसान है या फिर कोई भी हमारा जितना भी बायोटिक कंपोनेंट है वो वहां पे सरवाइव कर सके, इस तरह का वहां पे माहौल बनाया है। दैट इज द सराउंडिंग्स और अवर एनवायरनमेंट। ये भी किसका फंक्शन है, हमारे एनवायरनमेंट का। कोई कुछ करता नहीं है, द ऑक्सीजन द वाटर एवरीथिंग, सनलाइट, ये सारी चीजें हमको हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, लीड करने में हेल्प करती है और ये सारी हमको फ्री नेचर, फ्री गिफ्ट है फ्रॉम नेचर। तो ये काम किसका है, किसने किया है काम, एनवायरमेंट ने ही हमको ये सारी चीजें दी है। और एनवायरमेंट का काम है कि जिंदगी को, जिंदगी जीना, मतलब जिंदगी को वहां पे सस्टेन करने देना। दैट इज माय सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। देन व्हाट इज फोर्थ पॉइंट, अनदर पॉइंट इज दैट इट एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
इट एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है कि हमारे जो आसपास हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना कि जो भी लाइफ है ठीक है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करता है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंसान बहुत बीमार है ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि उनको एनवायरमेंट अच्छे एनवायरमेंट के अंदर लेके जाओ तो उनकी हेल्थ के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं. सो कैन आई से दैट द सराउंडिंग्स जो जितना हम नेचर के पास रहेंगे जैसे कि माउंटेन्स है ठीक है जहां पे अभी तक पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा असर नहीं आया है, वैसे तो हर जगह आ गया है लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं आया है, तो उतना ही वो हील करने में लाइफ को हील करने में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. जो रिवर वाटर है ठीक है सी अगर मैं उसको वो पॉल्यूटेड है तो उसकी बात अलग है. अगर मैं नेचुरल अगर सारे कंपोनेंट्स देखूं जैसे कि रिवर है माउंटेन्स है ओशंस है ये सारी चीजें अपने आप के अंदर हीलिंग क्वालिटीज लेके चलते हैं फॉर ह्यूमन काइंड फॉर एवरी काइंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ उनके लिए हीलिंग प्रॉपर्टी लेके चलते हैं. तो उनका काम ही क्या है एनवायरमेंट का काम क्या है इट एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है. सो ये मेरे कुछ फंक्शंस हैं एनवायरमेंट के. नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेटा यहाँ पे जानना चाह रहे हैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं. इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा और आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब क्या होता है. अगर मैं कहूं कि एनवायरमेंट अपने आप ही जो वेस्ट है उसको एसिमुलेट कर देता है टिल व्हाट कैपेसिटी टिल द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट की जहां तक कैरिंग कैपेसिटी है वहां तक वो अपने आप ही क्या करेगा बेटा वहां तक वो अपने आप ही आपका वेस्ट जो है जो भी वेस्ट आता है ठीक है वो सब कुछ एसिमुलेट कर लेता है बट इट शुड बी विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. अच्छा मैम ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंट के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है मतलब कि वो जो आपने वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज करके वापस से उसको रीजनरेट करने की जो कैपेसिटी है आप उस साइकिल के अंदर उस साइक्लिकल फॉर्म के अंदर ही आप उसको वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दिन के अंदर हम 10 दिन के अंदर एनवायरमेंट 10 किलो वेस्ट को एसिमुलेट कर लेता है मतलब एसिमुलेट का मतलब क्या होता है उसको प्रोसेस करके वापस से एनवायरमेंट में मिक्स कर लेता है. मतलब जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको वापस से प्रोसेस करके वापस से सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स 10 डेज तो हम वापस से 10 किलो का वेस्ट 10 दिन के अंदर ही एनवायरमेंट के अंदर छोड़ रहे हैं. लेकिन ये जो कैरिंग कैपेसिटी है ना एनवायरमेंट की वो हमने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दी है. ह्यूमन जो कॉम्पोनेंट है ना उसने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट. मतलब क्या हम लोग ग्रोथ के पीछे इतने पागल है ना हम लोग उस ग्रोथ की वजह से ग्रोथ लेने की वजह से हम लोगों ने जो एनवायरमेंट का पूरा जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करके रखा है. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने की वजह से हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं प्लस जो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से जो वेस्ट निकल रहा है ना या फिर हमारे जो हम भी एज अ पॉपुलेशन हम भी जो हाउस होल्ड जो वेस्ट सब निकल रहा है ना उसको एनवायरमेंट एसिमुलेट करे उससे पहले तो हम लोग और कितना लाखों टन वेस्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं. सो यहाँ पे एनवायरमेंट क्राइसिस आ चुका है. क्यों एनवायरमेंट क्राइसिस हो चुका है बिकॉज ये जो साइकिल है ना एनवायरमेंट की वेस्ट को एसिमुलेट करके वापस से सब कुछ नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आने की वो कैपेसिटी हमने उसको पूरी तरह से खत्म कर दी है बर्बाद कर दिया है. जो अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है ना कैरिंग कैपेसिटी एंड अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ लैंड उसको हमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है. मतलब जितनी जगह पे हम लोग वेस्ट कर सकते हैं वेस्ट को डंप कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वेस्ट हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और हमने ये जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसको हमने फिर अब रेकलेसली ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है. वी जस्ट मींस डंप दोस वेस्ट रेकलेसली एट एनी प्लेस. फॉर एग्जांपल हम लोग उसको सी के अंदर जाने देते हैं मतलब सी के अंदर हम लोगों का जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है ना सारा का सारा हम लोग उठा उठा के समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं. सो कैन यू सी दैट के ये हमने बचपन में भी कहानी पढ़ी थी शायद वो जो
आपको भी याद होगा एक थर्स्टी क्रो वाली हमने कहानी पढ़ी थी कि पानी पीना था क्रो को और पानी का लेवल था डाउन, तो उसने बाजू में पड़े पेबल्स उठाना उठा के डालना शुरू किया, तो पेबल्स अंदर जाते गए और पानी का लेवल ऊपर आता गया। सो कहना ही चाहिए कि हम भी जो डंप जितना भी वेस्ट डंप कर रहे हैं सी के अंदर, वो सी का जो लेवल है उसको एक ना एक दिन राइज खतरनाक तरीके से कर देगा, कर ही रहा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल से अगर वो राइज कर देगा, और उसके अंदर जितना भी रहने वाली मरीन लाइफ है उसको कितना हजार पहुंचा सकता है। अगर मरीन फॉर एग्जाम्पल चलो देखो साइकिल कैसे घूम रही है कि अगर मैंने वो डंप उठा के अब उस डंप के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स भी है, उसको मैंने उठा के कहां पर डाल दिया मैंने सी के अंदर, चलो ठीक है, या फिर लैंड के ऊपर, तो लैंड के ऊपर जो लैंड है वो भी पॉल्यूट हो गई, अब उसके ऊपर जो होने वाला ग्रेन्स है या फिर प्लांट्स है ठीक है उसको कौन खाएगा, एनिमल्स खाएगा, या फिर वो जो समुद्र के अंदर सी के अंदर मैंने वो जो सारा ओशियंस के अंदर जो मैंने डंप किया था वेस्ट उसको कौन कंज्यूम करेगा, नाउ दैट वुड बी कंज्यूम बाय द फिशेस ठीक है, मरीन लाइफ, मरीन लाइफ को फिर से कौन कंज्यूम कर रहा है, ह्यूमंस। तो मतलब साइकिलिंग के लिए वो जो टॉक्सिक है आप जो टॉक्सिक हर जगह पहुंचा रहे हो वो टॉक्सिक आपको ही मिल रहा है, ओके, इट इज अ साइकिल, आप जैसा दोगे एनवायरमेंट को वैसा वो आपको रिटर्न करेगा, सो एनवायरमेंट इज इनडीड रिटर्निंग टॉक्सिक मटेरियल्स टू अस ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट की दोनों ही प्रॉपरली हम कह सकते हैं नॉट प्रॉपरली हमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है, और वी आर रनिंग अबव और बियॉन्ड द कैरिंग और अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, हमने उस दोनों को वायलेट कर दिया है, ओके। सो एज अ ह्यूमन हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम कुछ प्रैक्टिकली सोचे ठीक है, और इस चीज से निकलने की कोशिश करें, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक, व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट शुड टेक एंड इज टेकिंग, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे ऑफ दिस चैप्टर ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज एनवायरमेंट क्राइसिस। नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरमेंट क्राइसिस तो हमारा शुरू हो ही चुका है ठीक है, अब एनवायरमेंट क्राइसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उसके रीजंस क्या क्या हैं, एनवायरमेंट क्राइसिस क्या है, हम लोग आज जिस सिचुएशन में जी रहे हैं दैट इज एनवायरमेंट क्राइसिस, और इससे ज्यादा क्राइसिस क्या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अ स्मॉल वेरी 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस उसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया बंद पड़ी है, ओके। सो कहना चाहिए दैट कि सब लोग के दिमाग के ऊपर दिमाग में आजू बाजू हर जगह आपको सिर्फ एक ही वर्ड सुनने को मिलेगा दैट इज कोरोना वायरस, एंड नॉट इवन इन अ कंट्री द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड। सो कैन आई से दैट कि एक छोटी सी चीज भी एनवायरनमेंट के अंदर कितनी डेंजरस हो सकती है, हम लोग एनवायरनमेंट को इतना हैजार्ड कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट अगर हमको रिटर्न के अंदर एक सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देता है ना तो यहाँ पे सब कुछ बंद पड़ जाता है ठीक है। कितना भी डेवलपमेंट ले लो, आप कितना भी सोच लो कि आप इतने साइंटिफिकली आप इतने डेवलप हो चुके हो, इतनी सारी मशीनरीज, इतने सारे साइंटिस्ट हैं हमारे पास, हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, लेकिन तो भी आप देखिए कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग आज जिस कंडीशन में जी रहे हैं दैट इज माय एनवायरमेंट क्राइसिस ठीक है। अब ये जो एनवायरमेंट क्राइसिस है उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, सी बहुत लॉजिकली अगर आप समझे ठीक है, लॉजिकली अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ कि एनवायरमेंट के जो क्राइसिस है उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीजन तो मुझे पता है क्या लगता है यहाँ पे, कि सबसे पहला मेरा रीजन है कि यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन का जो सिस्टम है ना दैट इज वेरी वेल डिस्टर्ब, हमने जो पॉपुलेशन का रेशियो है ना वहां पे बहुत डिस्टर्बेंस है, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन नहीं हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है, मतलब बाढ़ आ गई है लोगों की। और अच्छा अब ये सारे लोग फॉर एग्जाम्पल अब ये सारे लोग एनवायरमेंट में आ चुके हैं, अब ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग भी वेस्ट करेंगे ठीक है। सो अगेन जो एनवायरमेंट का लेवल है वो तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा,
जितने लोग जितना पॉपुलेशन उतना ही कंजम्पशन, कंजम्पशन करने के लिए उतना ही प्रोडक्शन, और जितना प्रोडक्शन उतना ही वेस्ट। सो यहाँ पे सारी कहानी घूम घाम के थोड़ी सी यहाँ पे आगे अटकते, दैट इज बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज माय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ दिस इज ऑल्सो रीजन कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से डिस्टर्बेंस में चल रहा है, बिकॉज हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन का मतलब समझते हो, ऑन अ लार्ज स्केल कुछ चीज बहुत पॉपुलर हो चुकी है। ठीक है, सो दैट इज माय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से हर लोग, हर कोई इंसान इंडस्ट्रीज लगाए जा रहा है, और उसके अंदर आपको इंडस्ट्री खाली तो चलती नहीं, आपने जो मशीनें लगाई उसको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, तो वो रॉ मटेरियल लेने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कैपेसिटी के अंदर, एक्सेसिव कैपेसिटी में हम लोग रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फॉरेस्ट की बात करूँ, ठीक है, मुझे टिम्बर चाहिए, मुझे वुड चाहिए, तो मैंने क्या फॉरेस्ट काट दिया। अब उस फॉरेस्ट को अगर मैं डिस्टर्ब ना करूँ ना, ठीक है, तो उस लैंड को अगर मैं एज इट इज रहने दूँ, मैंने फॉरेस्ट काट दिया, मैंने लकड़ी निकाल लिया वहां से, अगर मैं उस फॉरेस्ट को फॉर एग्जाम्पल 10-15 साल एज इट इज रहने दूँ या 20-25 साल एज इट इज रहने दूँ, तो वापस से अपने आप वहां पे क्या हो सकते हैं, या फिर जो लैंड के ऊपर मैंने फॉरेस्ट खत्म कर दिया है उतना ही लैंड के ऊपर मैं कहीं और फॉरेस्ट उगा दूँ, उतने ही प्लांट्स उगा दूँ, या फिर वहां पे जिस एरिया को मैंने खत्म किया एज अ फॉरेस्ट वहीं पे मैं अगर वापस से प्लांट्स उगा दूँ, सो उस लैंड को एज इट इज रहने दूँ, तो नेचर अपने आप क्या हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, 10-20-25 साल के अंदर वापस से जो लेवल था वो उतना ही आ जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब हम लोग ने जो डिमांड और सप्लाई का जो रूल है ना उसको कई ज्यादा, कई पहले हम लोग उसको क्रॉस कर चुके हैं। जो एनवायरमेंट के अंदर जो सप्लाई है ना, हमारे डिमांड उससे कहीं गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे हर चीज साइक्लिकल फॉर्म के अंदर डिस्टर्ब हो रही है। और अगर आपने सुना है कि फूड चेन, ठीक है, ये सारी जो चेन्स है ना, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चेन्स जो है हमारी, ये सब चेन्स पूरा एनवायरमेंट एक साइक्लिकल फॉर्म के अंदर काम करता है। अगर मैं एक किसी को अफेक्ट करती हूँ ना, तो सारे के सारे अफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पे हमको सबको एक चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अफेक्ट टू वन विल अफेक्ट एवरी वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अकेले करने से क्या होता है, या फिर अगर मैं ही करूंगी तो उसके अंदर क्या फर्क पड़ जाएगा। एक अकेले का भी अगर मैं कोई अच्छा काम करते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं, उसका इफेक्ट सबको ही पड़ता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देख रहे थे कि एनवायरमेंट क्राइसिस आया है, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल उतना ही ज्यादा कंज्यूम होगा, और वो जो रॉ मटेरियल है इन रिटर्न क्या देता है हमको, पॉल्यूशन, है ना, वेस्ट, फिर उसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। सो अगेन एनवायरमेंट क्राइसिस। Why? Because, see, environment हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, लेकिन अगर उसको उसका टाइम दिया जाए, आप अगर उसके सर के ऊपर जाके खड़े जाके नहीं, अभी के अभी, फॉर एग्जाम्पल चलो आप पूरे दिन के अंदर अगर 6 रोटी खाते हैं, ठीक है, आप पूरे दिन के अंदर 6 रोटी खाते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम, सिर्फ इतना इमेजिन करो कि आपको वो 6 की 6 रोटी सुबह दे दी जाए कि पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब भी बैठ के आप 6 रोटी खाओ, या फिर इमेजिन कि आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपका फास्ट था, ठीक है, तो रात को जब आप खाना खाने बैठते हो तो पूरे दिन 6 रोटी खाते हो, क्या अकेले रात को बैठ के आप 6 रोटी खा लेते हो, भूख तो बहुत जबरदस्त लगती है, लेकिन कितना खा सकते हो, 2 रोटी 3 रोटी, चलो बहुत भूख लगी तो 4 रोटी, उसके अलावा आप नहीं खा पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एनवायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको कहीं पहले सरपास कर लिया है, और वो सरपास करने की वजह से हमारा एनवायरमेंट क्राइसिस के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस। हमने ऑलरेडी बात की एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में कि हमने एक्सेसिव कैपेसिटी के अंदर रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, और अभी भी करे चले जा रहे हैं। द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, देन अफ्लुएंट कंजम्पशन। व्हाट इज दिस अफ्लुएंट कंजम्पशन? हम अपनी
जिंदगी को जीने के लिए जो जितना लग्जूरियस टाइप के ऊपर जा रहे हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग अभी भी नेचुरल तरीके से जीने की कोशिश करें तो एनवायरमेंट उसको फटाफट से कैरी कर लेगा। लेकिन हमने क्या किया है, हम अपने कंफर्टनेस की वजह से, अपनी लग्जरी की वजह से एनवायरमेंट को ज्यादा लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के सबके घर में रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, टीवी, एसी, ये सब चीजें आर वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल, हम सबके घर में है। ओके, सो उससे क्या होता है, इन सबको कूलिंग जो एजेंट है वो प्रोवाइड कौन करता है, दैट इज एन एलिमेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब वो जो गैस है ना, वो हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओके, अब इसकी वजह से हम अपनी लाइफ तो सिंपल बना लिया, लेकिन इसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टाइल है, वो डिस्टर्ब हो गया। ओजोन लेयर डिप्लीट हुई, इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज का जो जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज है वो पूरी अर्थ के ऊपर पड़ी। अच्छा, पूरी अर्थ के ऊपर पड़ी, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ह्यूमंस के लिए वो डेंजरस है, ह्यूमंस के लिए तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो अल्ट्रावायलेट रेज पूरे ओशन के ऊपर पड़ रही है, ओशन बहुत लार्ज है, वी हैव 70% ऑफ ओशन, सो कैन आई से दैट कि वो जो वाटर लेवल के ऊपर, वाटर के ऊपर वो 70% हमारा जहां पे पानी है उसके ऊपर जो डायरेक्ट वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही है, तो उसकी वजह से मैरिन लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो जो हमारे पोलर आइस कैप्स है ना, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी मेल्ट हो रहे हैं, विच वर द रिजर्वॉयर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब हमारी जरूरत के लिए नेचर ने क्या रखा था, हमारी जरूरत के लिए कि हमको फ्रेश वाटर मिलता रहे, इसलिए उसने बर्फ जमा के रखा था, हम उसको भी पिघला रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर, आगे आने वाला फ्यूचर कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम अभी भी नहीं समझे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव, ये सारा हमारा बेटा क्या था कि एनवायरमेंट क्राइसिस के रीजंस। हमने यहां पे जो बात की है वो है एनवायरमेंट क्राइसिस क्या होता है और फिर उसके रीजंस, कुछ रीजंस ये हैं, सारे नहीं है लेकिन कुछ जो मेन रीजंस हैं वो ये हैं। ठीक है, एनवायरमेंट को क्राइसिस की सिचुएशन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके अंदर से कुछ मेन रीजंस हमने ये लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टुवर्ड्स व्हाट इज पोल्यूशन। What is pollution? हम जानते हैं pollution क्या होता है, अगर layman language के अगर मैं बात करूं कि pollution क्या होता है, so pollution हमारे लिए बेटा जो हमारे environment के अंदर वो substance which are not required और which are not the components of my environment वहां पे पहुंच जाए, those are known as pollution। बहुत simple, अगर मैं आपको एक example दूं, आपकी आंखें, आपकी आईज है, ठीक है, उसके अंदर अगर कुछ भी अनवांटेड कचरा, चाहे वो एक बहुत छोटा सा कोई डस्ट पार्टिकल भी क्यों ना हो, अगर वो घुस जाता है तो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, आप बार बार जो हाथ है ना वो आपके ऊपर ही पहुंच जाएगा, आप उसको रब करोगे, कुछ भी करोगे, यू विल वॉश इट ऑफ बट यू विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। सेम एज एनवायरमेंट के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस जब पहुंच जाते हैं, दे लीड टू पॉल्यूशन। ओके, so pollution is, it refers to adding a substance in the environment which has harmful or poisonous effects. Pollution refers to the introduction of harmful substance in air, water and land. Okay, so ये mainly मेरा reason है, ये mainly characteristics है कि what the pollution